बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के पद्य पाठ से मैथिली शरण गुप्त जी का अध्ययन करेंगे। उनके थोड़ा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उनकी साहित्यिक सेवाओं के बारे में जानेंगे, उनकी कुछ कृतियों के बारे में जानेंगे और फिर उनके पद का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संभवतः 1943 यानी सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे और उसका पूर्ण प्रभाव गुप्त जी पर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु भी मानते थे। प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए इनको झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा और घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उसके बाद से इन्हें भारत सरकार से साहित्यिक सम्मेलन के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे। जीवन के अंतिम वर्षों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 यानी संभवत 2021 को भारत माँ का यह साधक पंच तत्व में विलीन हो गया। साहित्यिक सेवाएं, गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्रीय प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्तर रहा। इनकी रचनाएं हैं अनुदित तथा मौलिक, दो प्रकार की इन्होंने रचनाएं की हैं, एक अनुदित और एक मौलिक। इसमें जो काव्य रचनाएं हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा है, इनकी प्रमुख ये काव्य रचनाएं हैं। और इनको राष्ट्र के महनीय मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक काल का सच्चा कवि माना जाता है। आइए इसमें हम कुछ पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। पहले उसके अर्थ को देख लेंगे। पूरे अर्थ को देखने के बाद में इसमें जो रेखांकित तो होता है, जिसमें जिस पद में भी रेखांकित होता है उसी का सिर्फ अर्थ लिखना रहता है, लेकिन फिर भी हम पूरे जितना पद है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि कहीं से भी परीक्षा में पूछ सकता है। और पहले संदर्भ जान लेते हैं, इसमें इसी पर आधारित प्रश्न रहता है, उस प्रश्नों का उत्तर भी देना रहता है। तो इसमें है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि चाहे इसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। तदंतर बैठी सभा उपज के आगे, इसमें कैकेयी अनुताप में श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जब भरत जी जाते हैं और उस समय पंचवटी में सारे भाइयों का मिलन होता है, उसमें कुछ लोग अयोध्या से साथ भी गए हैं, तो सारे लोग बैठे हुए हैं एक साथ, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए क्या लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तदंतर बैठी सभा उपज के आगे, यानी वहाँ निरंतर हो करके सारे लोग, जितने लोग गए हैं उपज के आगे, झोपड़ी के आगे तत्पर हो करके अपने कान को लगाए हुए बैठे हुए हैं। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, ऐसा महसूस हो रहा है कि नीले बितान यानी नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जले हुए हैं।
टक टकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सारे लोग एक टकटकी लगाए एक तरह से। सबका नयन किसकी तरफ था? रामचंद्र की तरफ था। और उन्हीं को सारे लोग एक नयन से, यानी सारे लोग जितने लोग महासभा में बैठे हैं सारे लोग उन्हीं को देख रहे हैं। परिणामोत्सुक उन भयातुर के थे वे। परिणाम जानने के लिए उनका मन भय से भयभीत भी था और आतुर भी था कि परिणाम क्या होगा, यानी रामचंद्र जी क्या उत्तर देंगे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। जहाँ पे वो लोग बैठे हैं वो करौंदी, करौंदी का जो फूल होता है वो करौंदी कुंज में वायु, हवा जब रह रह करके बहती है तो करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। तो सारे लोगों के मन को पुलकित कर रही है अपने महक द्वारा, अपने सुगंध के द्वारा। करौंदी का जो कुंज है, करौंदी का जो बगीचा है, उसमें हवा जो जा रही है तो लोगों के मन को मोह रही है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था, ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे लोग, चांदनी रात थी और चांदनी रात में सारे लोग इकट्ठा होकर आसमान के नीचे बैठे हैं, तो उन्हें चंद्रलोक सा, यानी चंद्रमा का जो संसार है वैसा महसूस हो रहा था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। और जब प्रभु श्री राम बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि समुद्र से, जो समुद्र है उसमें कोई निधि यानी कोई अमूल्य चीज गिर गई, समुद्र से कोई अमूल्य चीज बाहर आकर के गिर गई। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से बोलते हैं, इसमें प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा कैकेयी अनुताप और कवि का नाम हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी जो नीचे का है उसका व्याख्या नीचे दे दिया गया है, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे हम पूरी व्याख्या बताए हैं आपको। भरत किसी लेने चित्रकूट गए हुए हैं। तो भरत श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट लेने गए हुए हैं। अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा और अनुप्रास अलंकार है। आगे का एक और देख लीजिए, दूसरा है, दूसरा पद का भी अर्थ हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो कैकेयी हैं वो अपने को दोषी मानते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? कहते आते थे यही अभी नर देही। कर रही हैं कैकेयी कि जो भी इंसान है वो आज तक युगों युगों से यही कहते आ रहा था, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता भले कुमाता हो जाए। माता न कुमाता यानी सॉरी, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी गलत न हो सकती। पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र के अंदर भले ही माँ के प्रति दुर्भावना आ जाए, लेकिन माता के अंदर कभी भी अपने पुत्र के लिए दुर्भावना नहीं आता, ईर्ष्या द्वेष नहीं आता। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। लेकिन अब लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हे पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता। कि जो 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 काम भरत जी ने कर दिया है उस काम को देख करके सारे लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, पुत्र के अंदर किसी तरह का दोष नहीं था। पुत्र जो भी अयोध्या का राज्य लेने के लिए माँ ने एक प्रपंच रचा था उसमें पुत्र का कोई हाथ न था, और माता कुमाता हो गई यानी माता दोषी हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने तो बस इसका बाहरी रूप ही देखा था, मैंने अपने पुत्र का सिर्फ बाहरी रूप ही देखा था कि वो किस तरह का है।
दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, लेकिन मैंने इसके दृढ़ हृदय यानी मजबूत हृदय को नहीं देखा था, इसके मृदुल गात्र यानी मृदुल स्वभाव को ही देखा था अपने पुत्र का। ये मैं नहीं पहचान सकी कि मेरा पुत्र किस स्वभाव का है। मैंने जो भी षड्यंत्र रचा है उसमें साथ देगा या न देगा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने अपना परमार्थ न देखा, ये मैंने नहीं देखा कि इससे मेरा क्या बनने वाला है, इससे क्या बिगड़ने वाला है, अपना पूरा स्वार्थ ही साधा। मैंने ये सोचा कि अपने स्वार्थ को ही साध लेते हैं और उसमें स्वार्थ बस ही मैंने अपने पुत्र के लिए राजगद्दी राजा दशरथ से मांग लिया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज ये बाधा उत्पन्न हुई है कि भरत आज यहाँ चित्रकूट तक आ पहुँचा है उस राज्य का त्याग करके रामचंद्र को लेने के लिए। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। जब तक ये युग चलेगा, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक ये कहानी, कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी जिसने अपने पुत्र मोह में फंस करके रामचंद्र जैसे पुत्र को वनवास दे दिया था और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगा था, जिस राजगद्दी को उसके पुत्र ने ठुकरा दिया था। इसके आगे इसमें शीर्षक है, उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, प्रश्न है। ऊपर वाला जो है वही हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अभी जो मैंने व्याख्या बताई वो हो जाएगा। अब पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, तो आज तक लोग यही कहते आए हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है। किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है। इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हुआ है, तो कैकेयी को राम को वन भेजने का पश्चाताप हुआ है और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगने का पश्चाताप हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी के अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसका उत्तर हो जाएगा चाहे शीर्षक कैकेयी का अनुताप या कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, और बाकी सब वही है। इसमें व्याख्या भी दे दी जा रही है जिससे समझने और पढ़ने में आसानी रहेगा, और अर्थ ऐसे हम बता भी दे रहे हैं, बताया हुआ जल्दी समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चियों।